अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल सब अच्छे ही होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि गुलाब को मिट्टी में लगाएं या फिर पानी में। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क होता है पानी और मिट्टी में लगाने से। आप देखिए, ये मैंने मिट्टी में लगाए हुए हैं एंड प्लास्टिक के पॉट में ही मैंने इसको लगाया है, लेकिन मिट्टी में मैंने इसको जमाया है। देखिए, 15 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह से कितनी अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है इसकी। यहाँ से भी ब्रांचेज निकल रही हैं और एक यहाँ से निकली हुई है। अभी तो फ़िलहाल 2 ही ब्रांचेज हैं इसकी, तीसरी अभी इस तरह से निकलना शुरू हो गई थी। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से कर थोड़ा डाल दिया था, थोड़ा सा हिल गया था, इस वजह से ये ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से अभी तक ठीक है। और एक ये मैंने कटिंग इसकी लगाई थी छोटी सी, एक कटिंग ये हो गई है। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये चल रही है। 15 दिन में माशाल्लाह बहुत ही ग्रो हो चुकी है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा था, वो सिर्फ ये कि ऐसे ही डंडा टाइप हो गया था। सारे पत्ते मैंने इसके झाड़ दिए थे और इसको तिरछा काट के मैंने इसको लगा दिया था। यहाँ से कटा हुआ एक यहाँ पर लगा दिया था और एक ये लगा दिया था। और मैं आपको पानी में दिखा देती हूँ पानी में किस तरह से मैंने इसको लगाया है। तो चलिए देखिए, पानी में देखिए मैंने ये लगाया है। पानी में सिर्फ इतना ही हुआ है, लेकिन मिट्टी में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई हैं, लेकिन पानी में अभी छोटी छोटी हुई हैं। क्योंकि फ़िलहाल ये मुरझा सी भी रही हैं, क्योंकि मैंने इसको पानी से इसको निकाल दिया था। देखिए, छोटी छोटी ये ब्रांचेस निकलने वाली हैं, बहुत ही छोटी छोटी ये हैं। 2 टहनियाँ मैंने इसमें लगाई थी, देखिए तिरछी काट के ही लगाए थे। इसमें पानी में डूबी हुई थी, उनका कलर भी चेंज हो गया है। 15 दिन के अंदर अंदर ये ऐसे हो गई हैं। अब देखिएगा, 15 दिन में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगी। अभी ये भी निकल रही है, छोटी है, उस साइड में भी बहुत अच्छे अच्छे से ही निकलना शुरू हो गई। सारा प्लांट जो है बन जाएगा, एकदम से 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसकी जो जड़ होती है वो अभी नहीं आएगी, करीबन 2 से 2 महीने में तो बनना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि गुलाब की जो ब्रांचेज होती हैं उनको हम लगाते हैं कटिंग को, उसकी जड़ जल्दी नहीं बनती। किसी किसी प्लांट की बहुत जल्द से जड़ बन जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको कनेर की वीडियो बनाई थी और उसमें आपने देखा होगा कितनी जल्दी से कितनी सारी इसकी जड़ बन गई है। देखिए, बहुत ही अच्छा हो गया है। आपको पसंद आया मेरी वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप खुद समझ सकते हैं इसको पानी में लगाएं या फिर मिट्टी में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा। जैसा जी चाहे आप लगा सकते हैं। देखिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।